वेलकम स्टूडेंट्स, अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन के कई टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो आखिरी टाइप हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस होते हैं वो या तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड होते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड हैं। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा, तो एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, कि अगर किसी स्टेटमेंट जो हमें गिवन है n नेचुरल नंबर्स के लिए, वो अगर n इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू माने, प्रूव कर दें, और किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए उसको ट्रू प्रूव करके उससे अगले नेचुरल नंबर के लिए उसको प्रूव कर दें, तो वो जो स्टेटमेंट होता है वो यूनिवर्सली ट्रू होता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स a दिया हुआ है, a b 0 1, यहां पर a 1 के अलावा कुछ और होगा, तो अगर ये मैट्रिक्स a है तो हमें प्रूव करना है a रेज़ टू पावर n मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स होगा। यहां n कोई नेचुरल नंबर है उसी के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हम जो हमारा an है उसे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 हम लेते हैं जैसे हमने 11th में लिया था, और इसमें n की जगह पर पुट करते हैं यानी a रेज़ टू 1, a रेज़ टू 1 यानी मतलब a। अब n की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो हमें मिलेगा a, ये b। अब n की जगह हमने लिखा है 1, तो a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1, यहां पुट करने को कुछ है ही नहीं, a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी जब सॉल्व करेंगे तो a b 0 और 1 ये चार एलिमेंट हमें मिलते हैं, और ये वही एलिमेंट है जो मैट्रिक्स ए में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ए एन जो है इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, यानी 1 के लिए सही। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट है इसको किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू मानते हैं। लेट ए रेज टू पावर एन इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k, हम उसको इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब होगा कि a रेज टू पावर k ये होना चाहिए, n जहां होगा वहां उसकी जगह हम k लिखेंगे, यानी a रेज टू पावर k ये मैट्रिक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल। इसको ट्रू मानते हुए अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इससे अगले नेचुरल नंबर के लिए भी सही है। नाउ वी शैल प्रूव a रेज टू पावर n इज ट्रू फॉर n प्लस 1, यानी नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए सही है, यानी हमें प्रूव करना है। तो वी शैल प्रूव a रेज टू पावर k प्लस 1 इतना होना चाहिए, जहां भी n आएगा वहां k प्लस 1 पुट करेंगे, a रेज टू पावर k प्लस 1 b इंटू a रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 और 1, यानी अब हमें a रेज टू पावर k प्लस 1 ये मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, a रेज टू पावर k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं a रेज टू पावर k इनटू a, यानी a रेज टू पावर k ये मैट्रिक्स है, a रेज टू पावर k b इनटू a रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 और 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स a से जो कि a b 0 और 1 है,
अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये दोनों ही 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 इंटू 2 का होगा। तो पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो a रेस टू पावर k को a रेस टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेस टू पावर k प्लस 1 हो जाएगा, दोनों पावर से ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस है। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट उसको तो हमने एलिमेंट को कर ही दिया, इस एलिमेंट को इससे यानी जीरो से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद एलिमेंट जीरो हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी ऐसे मल्टीप्लाई, ए रेस टू पावर के को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेस टू पावर के इंटू बी, और वन को इससे करेंगे तो बी इंटू ए रेस टू पावर के माइनस वन अपॉन ए माइनस। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो जीरो इंटू ए जीरो, वन इंटू जीरो ये जीरो हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, जीरो इंटू बी करा जीरो और वन इंटू वन करा तो जीरो प्लस वन, यानी हमारे पास में अब आप देखें कि ये तीन एलिमेंट तो हमें मिली गए हैं, सिर्फ हमें एक एलिमेंट को सॉल्व करना है इसे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको इक्वेशन नंबर टू का जो राइट साइड है उसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इससे आगे हम यहां लिख रहे हैं, तो अब हमें सॉल्व ये करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको रफ में सॉल्व करके बता देता हूं, ए माइनस वन हम एलसीएम ले रहे हैं, ए माइनस वन हमने एलसीएम लिया, लेकिन उससे पहले हम बी कॉमन ले लेते हैं, तो a रेस टू पावर k प्लस a रेस टू पावर k माइनस वन अपॉन में a माइनस वन। b हम कॉमन ले, ये हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ इस मैट्रिक्स एलिमेंट्स को। अब हम एलसीएम लेंगे a माइनस वन, a माइनस वन को पूरे को मल्टीप्लाई करना है a की पावर k से। अब a माइनस वन को a माइनस वन से डिवाइड करेंगे वन टाइम और वन को यानी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये b हमारा पास चल ही रहा है, ये a माइनस वन है, a को a की पावर k से मल्टीप्लाई करेंगे की पावर k प्लस वन, माइनस वन को इससे करेंगे a की पावर k प्लस a की पावर k माइनस वन और a माइनस वन। जब इनको प्लस करेंगे तो इनका सम जीरो हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट बचेंगे, a रेस टू पावर k प्लस वन माइनस वन, और a माइनस वन को हमने यहां एक जगह लिख ही लिया था, आप कहीं भी लिख लें। तो यानी कि a रेस टू पावर k प्लस वन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा a रेस टू पावर k प्लस वन। जब हमने इस एलिमेंट को सॉल्व करा है तो हमें मिला है a रेस टू पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन, फिर मिला है हमें जीरो और वन। ये आप देख सकते हैं ये वही मैट्रिक्स है जो हमने पहले लिखा था, तो यानी ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट दिया हुआ था an वो ट्रू था। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जहां n पावर इन्वॉल्व हो वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व कर ली जाती है। मैंने यहां कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आइए एक क्वेश्चन और हम ले लें। जैसे ये सेकंड ऑर्डर का था, हम थर्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम ले लें, थर्ड क्वेश्चन, यहां पर मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, ए रेस टू पावर एन दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले उसी तरीके से शुरुआत गिवन है ए रेस टू पावर एन 3 raised to power n minus 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सारे एलिमेंट सेम हैं, ये भी ध्यान देंगे आप। जबकि A मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सभी एलिमेंट्स 1 1 1 हैं। तो सबसे पहले जैसे भी हमने करा था n equal to 1 के लिए प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने देखा n इन्वॉल्व है
तो क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होगा। फॉर एन इक्वल टू वन हम यूज करते हैं, जैसे ही मैं इक्वल टू वन यूज करूंगा, एन की जगह वन पुट करूंगा, आई विल गेट ए रेज टू पावर वन। क्या होगा, एन रेज टू पावर वन करेंगे तो जीरो, थ्री रेज टू पावर जीरो, थ्री रेज टू पावर जीरो, सब जगह सेम आता है। आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर की जीरो पावर का मतलब वन होता है, यानी सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वन वन वन, वन 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 और वन वन वन, और ये किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो एक बार फिर लिखते हैं कि ए एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। हमारे पास जगह कम है, छोटा बोर्ड है, इसलिए हम इसी में थोड़े से एडजस्टमेंट करके जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप नोट करेंगे कि लेट ए एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू ए, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो अब मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जो हमें ए एन दिया हुआ था उसमें एन की जगह के पुट कर रहा हूं, यानी कि हमारा ए रेज टू पावर के जो होगा वो मैट्रिक्स ये वाला ए रेज टू पावर के, इसको हम इक्वेशन नंबर वन डाल। उसके बाद हम इसको अगले नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव ए एन फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, यानी अगले नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करें, यानी ए रेज टू पावर के प्लस वन इतना होना चाहिए कि जहां भी के आए वहां आपको के प्लस वन पुट करना है। जब आप के प्लस वन पुट करेंगे तो यू विल गेट के प्लस वन माइनस वन, वन और माइनस वन का सम जीरो होगा, तो आपको मिलेगा थ्री रेज टू पावर के, तो सब जगह थ्री रेज टू पावर के ही आए, सभी नौ एलिमेंट्स यही होंगे। यानी अब हमें ए रेज टू पावर के प्लस वन प्रूव करना है, इतना होगा। अब इसको उसी तरीके से प्रूव करेंगे। नाउ ए रेज टू पावर के प्लस वन का मतलब है ए रेज टू पावर के इंटू ए रेज टू पावर वन, यानी थ्री रेज टू पावर के माइनस वन, थ्री रेज टू पावर के माइनस वन, थ्री रेज टू पावर के माइनस वन, ऐसा हर जगह लिखते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हैं। इसी तरह से एक एक एलिमेंट्स भी सभी सेम है, सभी हमने देखा था वन 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 थे, और अब इसको मल्टीप्लाई भी करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थ्री रेज टू पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेज टू पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेज टू पावर के माइनस वन, और सभी एंट्रीज सभी जगह एक जैसी ही आएंगी। आप देख सकते हैं सभी एंट्रीज सेम आनी है, तो सारे के सारे नौ एलिमेंट यही आए। तो एक बार जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सभी जगह हमें वही लिखना है, क्योंकि तो सभी एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो एक ही एलिमेंट को सॉल्व करना है और वही हमारा रिजल्ट भी देगा। अब मैं एक ही एलिमेंट सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि उसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, फिर हम उसको सॉल्व करके एक साथ लिख दें। अब आप एक एलिमेंट लिख, इन सभी में आप देख सकते हैं कि सभी को सेम है, तो 3 रेज टू पावर के माइनस 1 को हमने जब ऐड करा है तो तीन बार ऐड होगा, तो यानी ये स्थिति आएगी, इसका मतलब 1 पावर है। इनकी पावर्स को आप ऐड करेंगे तो के माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 3 रेज टू पावर के होगा, तो यानी सबका जो सम आएगा वो 3 रेज टू पावर के ही आएगा। तो मैं सभी जगह 3 रेज टू पावर के लिख देता हूं, और अब आप ये देख सकते हैं ये वही मैट्रिक्स हैं
जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था। तो ये a रेज टू पावर k प्लस 1 मैट्रिक्स है, और ये वही मैट्रिक्स है जो इक्वेशन 2 में था, यानी कि राइट हैंड साइड है। इसका मतलब फिर वही हुआ कि an जो मैट्रिक्स था दैट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को जो पीएमआई पर बेस्ड हो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी बुक में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर पीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज आप पीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। आज इस वीडियो लेक्चर के बाद में ही कुछ आपको क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे और उसे होमवर्क रजिस्टर में परमानेंट अपने साथ रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।